हाँ जी कन्या बना देता हूँ और कन्याओं को माता बना देता हूँ। माताएं ज्ञान में आती हैं, पक्की पक्की ज्ञान की धारणा करती हैं, क्योंकि जीवन की बहुत अनुभवी हैं। विकारी सुख की भी बहुत अनुभवी है, तो उनको विकारी सुख भोगने में देर लगती है, भोगना छोड़ने में देर लगती है या फटाक से छोड़ देती है। माताएं जो अनुभवी हैं लंबे समय के विकारी सुख की, जब ज्ञान में आती हैं, ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण करती हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर उनको विकारी सुख भोगने में रस आता है या दख से छोड़ देती है, दख से छोड़ देती है। और कन्याएं तो कम उम्र की हैं, दुनियादारी उन्होंने देखी हुई नहीं है, तो थोड़ा लालसा रहती है, वो धक से उस दुनिया को नहीं छोड़ पाती। इसलिए बोला हुआ है कि माताओं को कन्या बना देता हूं, क्योंकि विकारी सुख की आस उनकी जल्दी खलास हो जाती है। और बाप तो बेहद का बाप भी है, बेहद का साधन भी है, सर्व संबंधों से संबंध निभाने के लिए आया हुआ है। तो जो कन्याएं सरेंडर होती हैं, उनमें जिनकी आस है तिरसठ जन्मों की, जो आस रही कि कृष्ण हमारा पति बने, भगवान हमारा पति बने, तो ये बेहद का परिवार है। इस बेहद के परिवार में वो कन्याएं बाप का बड़ा घर संभालने के निमित्त बन जाती हैं। तो माता बन जाती है। आगे चल करके एक एक कन्या दस दस सेंटर संभालेगी, ये मधुबन बाप के घर हैं, घर को संभालने वाली माता होती है या पिता होता है, माता होती है, तो कन्याओं का टाइटल माता का पक्का हो जाता है। इसलिए बोला कन्याओं को माता बना देता हूं और माता को कन्या बना देता हूं। ब्रह्मा को निमित्त करके जी दिया है, फिर ब्रह्मा
बच्चों को 1985 18 जनवरी 2020 बच्चों को 18 जनवरी 2000 में बच्चों को क्या किया? हाँ जनवरी 69 में 69 में शिव बाप ने बिल किया ब्रह्मा के थ्रू और जिस ब्रह्मा के थ्रू बिल किया वो ब्रह्मा तो 100 साल की आयु पूरी कर दी 87 में बल वो आयु पूरी हो गई फिर भी आयु पूरी होने के बाद कहते हैं ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है तो ब्रह्मा खलास होता है नरक में खलास होता है या स्वर्ग में खलास होता है? नरक में खलास होता है तो फिर कहां जन्म लेगा? ब्रह्मा होता है संगम युग में, विष्णु भी होता है संगम युग में, शंकर भी होता है संगम युग में, तो 87 के बाद ब्रह्मा वाली आत्मा का जन्म कहाँ हुआ? दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में कृष्ण आया गर्भ महल में, ये उसका पहला जन्म हुआ। है तो ये सब शूटिंग की बात, रिहर्सल चल रही है, तो जरूर है कि जब बच्चा आया है और बच्चे ने आधार लिया है गर्भ महल का, तो गर्भ महल देने वाली माता भी होगी और बाप भी होगा या नहीं होगा? है, होगा या नहीं होगा? अरे पीपल का पत्ता हो गया माता, और बाप हो गया प्रजापिता जो बच्चे को भी जन्म देने वाला है बीज। प्रश्न तो सृष्टि का पहला पत्ता मात्र कहा जाता है, लेकिन पत्ते का जन्म भी तो किसी से होता है, बीज से होता है। बीज का कभी विनाश नहीं होता है, हाँ वो कृष्ण वाली आत्मा बल गर्भ महल में आ जाती है तो भी सूक्ष्म शरीर से संसार में शिरकत करती रहती है। जैसे कि छोटा बच्चा जन्म ले लेता है, शिशु बन जाता है, 2-3 साल का भी शिशु है या 6 महीने का शिशु है,
तो अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, उसको कोई हंसाता और रुलाता नहीं है, तो भी अपनी पूर्वजन्मों की स्मृति में जाकर के हंसता है रोता है। इससे साबित होता है कि वो भी अपनी सूक्ष्म दुनिया में स्मृति से चला जाता है। तो प्रश्न किया जाता है, ब्रह्मा की जब 100 साल की आयु पूरी हो गई दादा लेखराज की, तो वो सूक्ष्म शरीर से क्यों आते हैं? उसका जवाब यही हुआ कि कोई कोई बच्चों को लंबे समय तक अपने पूर्वजन्म की स्मृति बनी रहती है। आज की दुनिया में भी बहुत बच्चे होते हैं जो अपनी पूर्वजन्म की स्मृतियां बताते रहते हैं। जैसे कि मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, तो 2000 पूरे होते होते दस बारह साल की टाइम बीत जाता है। और वो सोल ब्रह्मा की रुद्रमाला की शूटिंग के हिसाब से 100% ज्ञान को ग्रहण कर लेती है। बल निश्चय पूरा नहीं बैठता है, परंतु ज्ञान तो अर्जन कर लेती है ना। इसलिए उसे ज्ञान के आधार पर बताया क्योंकि बुद्धि एकाग्र तो नहीं है, आखिरी बच्चा बुद्धि ही कहेंगे। तिरकती हुई बुद्धि है, इसलिए 2001 में बता दिया कि वर्षा राम वाली आत्मा को मिल जाता है। फिर बुद्धि पे रखती है तो फिर गुलजार दादी में प्रवेश हो जाता है। मोह की दुनिया में चले जाते हैं। अभी भी ऐसे ही चल रहा है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में ब्रह्मा की सोल आती है। कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि। जब निश्चय बुद्धि बनते हैं तो एडवांस के फेवर की बातें बोलने लग पड़ते हैं। इसलिए उनहत्तर की बात को 2000 पूरा होते होते इस तरह बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। और
कोई नहीं, प्रश्न आया है कि बाबा ने बोला है इंद्रियों में सच्चाई होनी चाहिए, तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? सच्चा और झूठा क्या होता है? जैसे भोजन है, कोई ने आधा भोजन खाया और आधा छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया है खाते खाते थाली में, वो सच्चा भोजन है या झूठा भोजन है? क्या है? है झूठा है। तो ऐसे इंद्रियों में भी सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई होगी, जन्म जन्मांतर की सच्चाई होगी तो एक ही याद आवेगा। और जितना जन्म जन्मांतर का झूठापन बड़ा होगा, उतना अनेकों की याद आवेगी। क्योंकि याद आने का आधार है सुख दुख। इंद्रियों के द्वारा ही सुख दुख मिलता है। तो वो याद आता है। भगवान बाप को दुनिया सबसे जास्ती याद करती है। तो उस याद का आधार क्या है कि सारी दुनिया एक भगवान को याद करती है? भल जानती नहीं है तो भी भगवान को याद करती है। जरूर भगवान से जितना सुख मिला है उतना और कोई से नहीं मिला है। और ऐसे टाइम पर सुख मिला है जबकि दुखों के पहाड़ गिरते हैं इस दुनिया में। आत्माओं को भगवान का सहारा मिलता है। दुनिया के सहारे सहारे टूट जाते हैं, एक भगवान का सहारा मिलता है। तो भगवान याद आता है। जन्म जन्मांतर याद आता है, लेकिन दुख की दुनिया में याद आता है या सत्युग त्रेता की सुख की दुनिया में याद आता है? कहां याद आता है? दुख की दुनिया में याद आता है। इसलिए बोला कि इंद्रियों में सच्चाई होनी चाहिए। इंद्रियां भी एक के प्रति आसक्त होनी चाहिए जीवन में, अनेकों के प्रति अगर इंद्रियों का लगाव है तो झूठी दुनिया बनेगी, झूठ खंड बनेगा। झूठ खंड को नरक की दुनिया कहा जाता है।
अंडमान निकोबार में जेल है जिसको काला पानी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो उनको वहां भेजा जाता है। यहाँ न तो ठीक से रोशनी आती है, न हवा आती है, और उन कैदियों को खाना पानी भी ठीक से नहीं मिलता। इस कैद की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? के बनते हैं, सरेंडर भी होते हैं और सरेंडर होने के बाद भी छोड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि दूर हो जाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। आगे आने वाले विनाश में उनको बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ेंगी। एक होता है ट्रांसपेरेंट वाटर, जैसे ज्ञानमान सरोवर का शुद्ध जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर जैसा। और एक होता है शुद्ध जल गंदे नालों का, कालापन किसमें ज्यादा होता है? नालों के पानी में ज्यादा कालापन होता है या ज्ञानमान सरोवर के जल में कालापन होगा? है काला वाटर कौन सा होता है? जो नाले बहते हैं उनका काला पानी होता है। के चल करके ये दुनिया बंदरों जैसी हो जाएगी। अभी भी है लेकिन अभी उतना देखने में नहीं आता है। आगे चल करके बहुत विकार बढ़ जाएंगे। बाहर की दुनिया में और ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में ज्ञान जल की इम्प्योरिटी और प्योरिटी का बहुत अंतर पड़ जाएगा। पवित्र ज्ञान जल बुद्धि को शुद्ध करता है। पवित्र ज्ञान जल बुद्धि को अशुद्ध कर देता है। जो छोड़ के चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, वो बाहर की दुनिया में जेल बर्ड्स की तरह बहुत दुख भोगेंगे।
जैसे अंडमान निकोबार की जेल बहुत दूर है, वापस आना भी बहुत मुश्किल, ऐसे बहुत दूरी अनुभव करेंगे। बाप के पास आना चाहते हुए भी नहीं आ सकेंगे। जब तक उनके कर्म बंधन पूरे न हो तब तक भुगतना पड़ेगा। दूर माना कनेक्शन न हो, न हो पाना। आजकल विदेश और स्वदेश की बात नहीं है, विदेश में भी कितना भी दूर का दूर विदेश क्यों ना हो, 12 घंटे के अंदर आना जाना हो सकता है, बातचीत हो सकती है कहीं से भी। आज की दुनिया तो छोटी हो गई है, दूर का मतलब कनेक्शन ही नहीं जुट पाएगा। ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन के लिए तरसेंगे। जैसे वो कैदी होते हैं तो लौकिक परिवार वालों से मिलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन लौकिक परिवार के संबंधियों से, बाल बच्चों से मिलना जुलना नहीं हो पाता। ओम शांति।
कृष्णा जी, राजोला के घर में, राजोला जैसा राजा ही लाई हो, राजा ही पाई हो, छोटे मोटे राजा हैं उनके घर में खाना बना रहे। पांडवों का 13वां वर्ष का गुप्तवास हुआ तो किसके घर में खाना बनाया, कोई महाराजा के घर में बनाया या राजा के घर में बनाया? कहाँ महाराजा था, छोटा राजा था, तो खाना बना रहे हैं। खाना कोई हद का खाना थोड़े ही है, एक होता है हद का भोजन, देह का भोजन, देह के भोग भोगते हैं, एक होता है आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन है प्यार, स्नेह, याद, योग, ये आत्मा का भोजन है। तो दी बेस्ट भोजन कौन बनाते हैं? अरे नारायण ही बनाते हैं, और कौन बनाते हैं? और बनने के लिए यही नॉलेज है सृष्टि की, कि सृष्टि में हम हर बार आते हैं, 84 जन्म पार्ट बजाते हैं, नंगे आते हैं फिर नंगे वापस चले जाते हैं। इस सृष्टि में सब कुछ छोड़ करके वापस चले जाते हैं। कोई कितने भी बड़े से बड़े जन्म जन्मांतर के राजाएं क्यों न बने हो, महाराजा बन के रहे हो, फिर भी कुछ लेकर जाती है आत्मा है? कुछ लेकर के नहीं जाती, सब यहाँ का यही झाड़ के जाते। तो इस दुनिया से वैराग आना चाहिए ना, वैराग आएगा जल्दी तो हम जल्दी ऊपर पहुंचेंगे, और देर में वैराग आएगा तो देर में बाप के घर पहुंचेंगे। वर्षा लेना है तो बाप के घर में जल्दी पहुंचना है या देर से पहुंचना है? जो जल्दी पहुंचेंगे वो बड़े बच्चे बन करके बड़ी से बड़ा वर्षा ले लेंगे, और जो देर से पहुंचेंगे वो सुख शांति का छोटा वर्षा लेंगे। तो इस दुनिया से वैराग आएगा तब जल्दी पहुंचेंगे या ऐसे ही पहुंच जाएंगे? है वैराग इस दुनिया से आएगा तो जल्दी पुरुषार्थ करेंगे, जल्दी घर जाएं, बाप से लेवे। बाप ही जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा को देने वाला है। देह के बाप तो देह को देने वाले थे, एक जन्म के लिए देह होती है तो एक जन्म के लिए देते थे, वो भी अल्पकाल का, वो भी दें दें न दें, और दिया हुआ भी चले चले न चले,
यहाँ तो बेहद का बाप है, बेहद का परमानेंट वर्षा देता है, 21 जन्म का तो देता ही है, 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी प्रारब्ध बन जाता है। तो भी इसी दुनिया में नाक रगड़ती रहती है। मोह नष्ट होता ही नहीं, और बाबा इस होली में हम सीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, सेवा के आज का होली में शिव बाबा पहले जाएंगे, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर जाएंगे, उसके बाद जीते जी हम परम धाम में नहीं जा सकते, अभी जाते नहीं है। अरे कोई एक सेकंड के लिए जाते हैं, कोई आधा सेकंड के लिए जाते हैं, कोई लंबे समय के लिए जाते हैं। तो जीते जी जाने वाले हैं या नहीं है, तो प्रैक्टिस बढ़ाने की बात है। और है हाँ, उनके लिए क्यों लागू होगी? धोबी कपड़े के लिए होता है कि सूक्ष्म कपड़े के लिए होता है? धोबी स्थूल कपड़े के लिए होता है या सूक्ष्म कपड़े के लिए धोबी होता है? किसके लिए होता है? स्थूल कपड़े के लिए धोबी होता है, तो सूक्ष्म शरीरधारियों की तो बात ही नहीं। हाँ, उनकी बुद्धि में जब पूरा ज्ञान बैठ जाएगा, ज्ञान की रोशनी आ जाएगी, तो उनका सूक्ष्म शरीर ही खलास हो जाएगा। कुछ न कुछ अज्ञान है जरूर, इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है। और आज ही में थोड़ा पता की है आज ही में क्या क्या हुआ क्या कथा कहानियां बैठ बताई जाए, जो पूछोगे सो बताया जाएगा है। आपकी बात यही नहीं समझ पा रहे हैं। जीके वाले पापा, जीके वाले वो भक्ति मार्ग को पूरा अनुसरण कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हम भक्ति मार्ग के आला हैं। क्या हम भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले हैं? हम भक्ति मार्ग के सरपरस्त हैं। ये द्वापर युग से जो भी भक्ति मार्ग चालू होगा, पूजा पुजारी वगैरह, वो पूजा कौन सबसे पहले करेगा?
कौन करेगा पहले पूजा? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य माना यहाँ कौन? ब्रह्मा बाबा। तो सबसे बड़ा राज अब हो गया भगत, पहला भगत, फिर उसके फॉलोअर, उसके पीछे आने वाले, उसके पीछा करने वाले, उसके पीछे पीछे चलने वाले भगत हुए ना, वो ही भगत अपना भक्ति करके दिखा रहे हैं। और सब प्रकार की दुनिया में जितनी भक्ति होती है सब करेंगे, तो साबित हो जाएगा कि हाँ ये भगत हैं। भगत बड़े ठगत, ये भक्ति आती है रावण संप्रदाय से, तो ये भगत जिसको फॉलो करते हैं उसको रावण साबित करने जा रहे हैं। कि देखो भक्ति कहां से आती है, हमारे अंदर जो भक्ति के संस्कार चल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? हमारे ब्रह्मा बाप से आ रहे हैं। ब्रह्मा बाप ने भक्ति करना शुरू की थी कि नहीं? कहां से? कहां से भक्ति करना शुरू की थी? अरे माउंट आबू है ज्ञान सागर की भूमि, ज्ञान सागर के कंठे पर कौन सा पहला मंदिर बना? सोमनाथ मंदिर। वो शूटिंग की कि नहीं की? तो पहला मंदिर बनाने की शूटिंग किसने की? ब्रह्मा बाबा ने की। तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, भक्ति को विस्तार में ला रहे हैं, ताकि दुनिया में साबित हो जाए कि भक्ति कहां से आती है और ज्ञान कहां से आता है। ज्ञान आता है एक परमपिता परमात्मा से, और भक्ति आती है रावण से। रावण कोई एक नहीं होता है, 10 सिर मिलते हैं तो रावण होता है। राम को एक सिर होता है या 10 सिर होते हैं? एक मत से जो बातें निकलती हैं वो है ज्ञान, और अनेकों मतों से जो अनेक प्रकार की भक्ति निकलती है, भक्ति का विस्तार निकलता है, वो है अज्ञान भक्ति। वो तो ये सब टंट घंट करते ही रहेंगे जो दुनिया में होते रहे। और शरीरधारी संपन्न हो जाएगा तब शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। है? शरीरधारी संपन्न होने के बाद शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। कौन सा शरीरधारी? जो शरीरधारी है, शरीर को जो धारण करने वाली आत्मा है, वो शरीर को धारण करना अच्छी बात है। यह शरीर से परे होना अच्छी बात है। तो जब तक धारण करेगा तब तक तो पक्का पुरुषार्थी है ही नहीं। अशरीरी है शिव बाबा, तो शरीरधारी जब अशरीरी हो जाएगा, शरीर की आधार लेना छोड़ दे, शरीर के आधार की जरूरत ही नहीं, विदेही हो जाए, तब कहेंगे पुरुषार्थ संपन्न हुआ। अभी तो प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं, दक से भूल जाता है, फिर देह में आ जाते, देह धारण कर लेते,
तो ये तपस्या बार बार करनी पड़ती है। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, देह में बुद्धि धरी रहती है तो देहधारी हो गया। जिस समय शिव का प्रवेश होता है उस समय आत्मा भी प्रैक्टिस करके अपने स्टेट तक होता है। हाँ? ऐसा तो मुझे होता है। वो पहले पकड़ेगा तब तो दूसरे पकड़ेंगे, है? जिसमें भगवान बाप आया हुआ हो मुकर्रर रूप से, पहले तो वो पकड़े उस स्टेज को, निराकारी स्टेज को, फिर उसके संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली नंबरवार दूसरी आत्माएं पकड़े। क्यों उल्टा हो जाएगा? है संग से रंग लगेगा या बिना संग के रंग लग जाएगा? तो ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव जिस तन में प्रवेश करता है वो पहले संपन्न बने, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बने, बाप समान बने, फिर उसके संग के रंग में आने वाले जो भी हैं नंबरवार, नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। तो और जो नंबरवार हैं उनका नंबर लगे, क्रम है, हिसाब है, नियम है, संग का रंग लगता है तो ऐसे दौड़े ही अजर्रा लग जाता है। संग का रंग लगने का भी तो कोई हिसाब होगा ना, और उसी हिसाब करना है ना, और उसी हिसाब को संग का रंग लगने अरे ये हाथ से हाथ मिला संग नहीं हुआ, फोन उठाया बातचीत करना शुरू किया, संग हुआ या नहीं? उसकी याद आएगी या नहीं आएगी? बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ये कहा, याद आएगा नहीं आएगा? तो जो भी इंद्रियों का संग होता है वो बुद्धि में याद आता जरूर है। माँ का संग अपना होता है, माँ को कौन सा संग याद आएगा? बच्चे का और माँ का जो संबंध होता है इंद्रियों का, वो माँ और बच्चे का संबंध याद आता है। बाप और बेटे का जो होता है वो बाप बेटे को याद आता है। सखा भाव का जो संबंध होता है वो खुदा दोस्त को याद आता है, खुदा दोस्त की याद दिलाता है। तो कोई भी प्रकार से याद करना है उसमें भी त्याग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा याद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संग चाहिए कि नहीं है? और ज्यादा से ज्यादा संग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा त्याग चाहिए ना? धन का भी त्याग करना पड़े, तन के संबंधियों का भी त्याग करना पड़े, तन की सुख साधनों का भी त्याग करना पड़े, और दुनिया के सुख भोगने के जो संकल्प चलते हैं उनका भी त्याग करना पड़े। तो संग का रंग क्यों नहीं लगेगा? ज्यादा रंग लगेगा तो जरूर ज्यादा संग हो रहा हुआ है तो ज्यादा याद आएगा।
नहीं तो जिनका संग करेंगे उनका याद आए। अब बेसिक में हमने नॉलेज तो बहुत पुरानी पड़ी हुई है, स्लोगन लिख लिख करके टांगे हुए हैं, टांगे हैं कि नहीं टांगे हैं, बात कोई नई तो है नहीं, सब पुरानी बातें हैं। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमने ईश्वरीय सेवा में उस आश्रम में रख दी, हमारे तन का टुकड़ा है या नहीं है? तो तन का टुकड़ा उधर गया है तो याद नहीं आएगा? आएगा या नहीं याद आएगा? याद आएगा। जहां हमारा धन होगा, जिंदगी भर की हुई कमाई धन संपत्ति, हमने अमेरिका में कारखाना डाल दिया तो बुद्धि वहां जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ऐसे यहां भी है, ईश्वरीय कार्य में हमने धन लगाया होगा, सारी जिंदगी की कमाई वहां लगा दी तो मन कहां जाएगा? ईश्वर में ही मन जाएगा। सीधा सीधा ज्ञान है, सहज सहज ज्ञान है, लेकिन बुद्धि में माया वायलोरा डाल देती। ब्रह्मा भी उतरा है, शास्त्र हम नहीं मानते, तो कैसा लगा उसको? ब्रह्मा बाबा ने बोला नहीं है ये बात? ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली नहीं गई है क्या? है हाँ, तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे है? यहाँ बीके वाले हठयोगी शास्त्रकार नहीं है जो मुरलियां पढ़ते हैं? अरे मुरलियों को पढ़ने वाले शास्त्रकार नहीं है क्या? भगवान उतर आया है या नहीं उतर आया है? है उतर आया हुआ है। भगवान समझा रहा है या नहीं समझा रहा है? समझा रहा है, फिर भी वो मुरलियां पढ़ना छोड़ रहे हैं है? कागज की मुरली छोड़ नहीं रहे हैं। समझ में आए या ना आए, बस गीता का पाठ, रामायण का पाठ करते रहेंगे, कुरान का पाठ करते रहेंगे। भक्तों में भी ऐसे ही है, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान सुनाओ नहीं सुनेंगे। मोहल्ले में रामायण का पाठ हो रहा होगा वहां सब जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग नहीं हो रही है। भगवान भी उतर आए तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। और बीच में जो शरीर छोड़ देते हैं और शरीर छोड़ने के बाद थोड़ा निर्बंध हो जाता है, निर्बंध हो जाता है ना, स्थूल बंधन बड़ी बात है या सूक्ष्म बंधन बड़ी बात है? लोहे की जंजीरें का बंधन बड़ा है या सोने की जंजीरों का बंधन बड़ा है? जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना कठोर बंधन हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध गए ब्रह्मा बाबा तो क्या गुलजार दादी से मोहन का टूट गया? स्थूल शरीर में थे तो गुलजार दादी में मोह लगा हुआ था, छोटी बच्ची थी, बुलाते थे उनके पास जाती नहीं थी, भाग जाती थी, बड़े होने तक भागती रही, ब्रह्मा बाबा के पास नहीं आई, बाबा का मोह लगा रहा।
तो शरीर छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म शरीरधारी हुए तो क्या बंधन खत्म हो गया है? क्या और ज्यादा कड़ा हो गया है? क्या हुआ? और ज्यादा कड़ा हो गया। शरीर में ज्यादा ताकत होती है स्थूल में या सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म जो चीज ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ताकत उसमें भरी पूरी होगी। एटम कितना छोटा होता है? एटम से भी छोटी आटम आत्मा कितनी छोटी, फिर कितनी ज्यादा ताकतवर? एटम ज्यादा ताकतवर या आत्मा ज्यादा ताकतवर? क्यों है? आत्मा से शांति आती है, इसलिए ज्यादा ताकतवर कि एटम से भी ज्यादा सूक्ष्म आत्मा है। सुनो ये हमारे यहाँ कान तो कम सुन जो अभी पढ़ने आया हुआ है ना। हाँ, 95% गीता झूठी है। 95% गीता झूठी है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान से भी गीता का व्याख्या होना चाहिए। होनी चाहिए, करे कौन? जो जानेगा वो करेगा या जो नहीं जानता होगा वो करेगा? गीता में क्या क्या झूठ है क्या क्या सच्चा है इसकी जानकारी जिसको होगी वो करेगा, या जिनको जानकारी नहीं है वो करेगा? कौन करेगा? तो जानकारी है वही करेगा। उन्हें सत्य असत्य की जानकारी ही नहीं है। तो अभी सारी दुनिया झूठ है, सारी दुनिया गीता को मानते भी नहीं है। जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को गीता कृष्ण लिखे तो हम लोग क्या, शिव लिखे तो इनका क्या, तो कैसे डाल सकते हैं? गीता को दुनिया गवर्नमेंट जाने या न जाने, हम जो केस डालेंगे वो तो उन्हें मानना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ना, उनको तो फैसला करना है। डालने के लिए कौन बनते हो आप? केस डालने के लिए जो जानेगा, जो उसको क्लेरिफाई कर सकता है वो ही केस डालेगा, अथवा तो वो डालेंगे कि जो उसका विरोध करेंगे सच्चाई का, विरोध करेंगे सच्चाई का तो गुस्से में आएंगे कि पब्लिक इनकी बात को ज्यादा क्यों मान रही है, हमारी बात झूठी कैसे साबित हो जाएगी, तो गुस्से में आएंगे तो केस डालेंगे तो जो जानकार होगा वो बंडा फोड़ करेगा। कि देखो गीता के शब्दों का अर्थ तो ये है और ये ऐसा उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। गीता में तो साफ लिखा है श्लोकों में, मैं परम धाम का वासी हूं, तद धामा परम मम, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। ये कहते हैं सर्वव्यापी है। ऐसी ऐसी ढेर सारी बातें हैं, एक एक श्लोक को पकड़ करके जब उनको डाली जाएंगी तो पकड़ में आ जाएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, क्या राजा जनक ने क्या किया? सब गुरुओं को जेल में डलवा दिया। ये सब झूठे हैं।
है तो आप ज्योतिषियों वाली भाषा में नहीं पूछ रहे? परीक्षा लेने वाली माया है या महाकाली है? है? हाँ, माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है तो माया पावरफुल हो जाती है, और ओम शांति।